नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा पश्चिम बंगाल, साल के अंत तक 4 करोड़ अंडा प्रतिदिन उत्पादन का रखा लक्ष्य। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए मिलेट्स फेस्टिवल शुरू कराएगी यूपी सरकार, सूर्य प्रताप शाही ने जारी किए दिशा निर्देश। अब मवेशियों के इलाज के लिए दर दर नहीं भटकेगा किसान, हेल्पलाइन नंबर पर फोन करते ही इलाज करने पहुँच जाएंगे डॉक्टर। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आत्मनिर्भर बनना हर सरकार की कोशिश रहती है, इसी दिशा में पश्चिम बंगाल के पशुधन संसाधन विकास विभाग के मंत्री स्वप्नल देवनाथ ने कहा है कि साल के आखिर तक हमने राज्य को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुकाम को हासिल करने के लिए उद्योग और ज्यादा समर्थन देने को तैयार है। साथ ही उन्होंने बताया कि मांस उत्पादन में हमारा राज्य आत्मनिर्भर है क्योंकि ये हमारी मांग का 135% उत्पादन करता है। इसी को देखते हुए हमने अब दिसंबर 2023 तक अंडा उत्पादन में पश्चिम बंगाल को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है और उद्योग से उत्पादन को बढ़ाने को कहा है। मंत्री ने बताया कि आज राज्य 1203 करोड़ अंडे का उत्पादन करता है, हालांकि अभी भी 237 करोड़ अंडों की कमी है। वहीं पश्चिम बंगाल के पोल्ट्री फेडरेशन के महासचिव मदन मोहन मैथी ने कहा कि सरकार की निर्धारित लक्ष्य की दिशा में हम काम कर रहे हैं, जिसमें अब तक पोल्ट्री उद्योग 30 लाख रोजगार सृजित कर रहा है, जिसे आने वाले दिनों में बढ़ाकर 50 लाख करने का लक्ष्य है। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय के सलाहकार प्रदीप मजुमदार ने कहा कि हम 2011 में औसतन दैनिक आधार पर 1 करोड़ 20 लाख अंडे का उत्पादन करते थे, इसे प्रतिदिन औसतन 3 करोड़ अंडे तक बढ़ाया गया है और अभी भी 65 लाख अंडों की और जरूरत है, जिसे जल्द से जल्द हासिल कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने हाल ही में कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करने की जरूरत पर बल देने की बात कही है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के वाराणसी स्थित क्षेत्रीय केंद्र द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने इस दौरान कहा कि सरकार की कोशिश है कि कृषि उत्पादों के यूपी से अन्य देशों में होने वाले निर्यात को भी बढ़ाया जाना है। वहीं दूसरी तरफ संस्थानों की ओर से यूपी में फसल प्रजातियों की तकनीकी संवर्धन, उन्नयन और खासकर चावल की प्रजातियों की गुणवत्ता के सुधार क्षेत्रों के कार्यों के बारे में कृषि मंत्री को अवगत कराया गया, जिसके तहत कृषि मंत्री ने यूपी से खाद्यान्न और सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने और किसानों की आय में सुधार करने की कार्य योजना बनाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान IRRI के निदेशक सुधांशु सिंह ने सूर्य प्रताप शाही को बीते 4 साल में चावल संवर्धन की दिशा में संस्थान के कार्यों की जानकारी दी और 110 से 115 दिनों में तैयार होने वाली चावल की प्रजातियों के बारे में भी बताया और कहा कि नई प्रजातियां कम दिनों में अच्छा उत्पादन देती हैं। हमारे मवेशियों की बीमारी से निपटना जहां डेयरी जगत के किसानों से लेकर हमारे घरों में भी गंभीर समस्या है, तो वहीं इसी समस्या के निदान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत बीमार मवेशियों के इलाज के लिए पशुधन विकास विभाग जल्द ही हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा। इसके माध्यम से मवेशियों को तुरंत इलाज के लिए मदद दी जा सकेगी। फोन से सूचना मिलते ही पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू का प्रयास करेंगे। इस बात की जानकारी दुर्ग जिले के कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीना ने समीक्षा बैठक में दी है। उन्होंने कृषि और इससे संबंधित विभाग की योजनाओं पर हुई प्रगति के संबंध में विस्तार से समीक्षा की और सिर्फ इतना ही नहीं, गौठानों में उच्च नस्ल के गायों के पाले जाने की प्रगति की समीक्षा भी की। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि जिन गौठानों में अब तक उच्च नस्ल की गाय वितरित की गई है, वहां दूध व्यवसाय से समूह की महिलाएं अच्छी खासी कमाई कर पा रही है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। नई उन्नत किस्मों के बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना चला रही है। इसके तहत पिछले 4 साल में 24 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा किसानों को 45,000 क्विंटल उन्नत बीजों का वितरण किया गया है। हाल ही में राजस्थान के कृषि विभाग ने ट्वीट करके बताया है कि इस योजना के तहत 2 लाख से ज्यादा किसान अपने खेतों में बीजों का उत्पादन करके आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का लखनऊ में उद्घाटन कर देश दुनिया से जुटे निवेशकों से संभावनाओं से भरे इस प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी में कृषि से जुड़े सभी क्षेत्रों में व्यापक संभावनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी तेजी से देश की तरक्की का ग्रोथ इंजन बन रहा है, जो कि किसानों समेत समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करेगा। किसानों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए भारतीय रेल द्वारा लॉकडाउन के दौरान ही किसान रेल की शुरुआत की गई थी। तब से लेकर अब तक रेलवे ने 2359 किसान रेल का संचालन किया है और सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में जब से किसान रेल की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक 7.9 लाख टन फल सब्जी आदि की ढुलाई हो चुकी है। इस बात की जानकारी हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने उत्तर प्रदेश में कृषि कल्याण समेत अन्य क्षेत्रों में 75,000 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है। मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को लखनऊ में योगी सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के उद्घाटन समारोह में कहा कि रिलायंस के निवेश से यूपी में 1 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही अंबानी ने दावा किया है कि अगले 5 सालों के अंदर यूपी $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को एक बैठक का आयोजन कर कई बड़े ऐलान किए हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी देने की मांग करते हुए 20 मार्च को संसद के बाहर किसान महापंचायत करेगा। किसान नेताओं ने बताया कि देश भर के किसान 20 मार्च को दिल्ली की ओर कूच करेंगे और संसद के बाहर पंचायत की जाएगी। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहे ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।